इंग्लैंड के खिलाफ खेले जा रहे चौथे टेस्ट मुकाबला में भारतीय टीम के लिए डेब्यू कर रहे आकाशदीप ने अपनी गेंदबाजी से करोड़ों भारतीयों को अपना मुरीद बना दिया। तीरसी माफिक गेंद के सामने इंग्लिश टीम के बल्लेबाज घुटने टेकते हुए नजर आए तो कैसे आकाशदीप ने अपनी गेंदबाजी से बिखरे जलवे, जिसको देखने के बाद भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा भी उनके मुरीद हो गए। तो चलिए बताते हैं क्या बोले रोहित। लेकिन अगर आप भी आकाशदीप की गेंदबाजी से खुश है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। भारत और इंग्लैंड के बीच सीरीज का यह चौथा टेस्ट मुकाबला था। पहले बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड की टीम के ऊपर कहर बनकर टूटे तेज गेंदबाज आकाशदीप, जिन्हें बुमराह की जगह इस मुकाबले में जगह दी गई थी। सिर्फ 4 रन की स्कोर पर क्राउली को बोल्ड मार दिया था, लेकिन 9 बॉल होने के चलते इंग्लिश बल्लेबाज को जीवन दान मिल गया। उसके बाद इंग्लैंड की शुरुआत तेज रही, 47 रन बन चुके थे, लेकिन डकैत को सिर्फ 11 रन के स्कोर पर आकाशदीप ने विकेटकीपर जुरेल के हाथों आउट कराकर टीम इंडिया को पहली सफलता दिलाई। उसके बाद बल्लेबाजी पर आए पॉप अपनी दूसरी ही गेंद खेल रहे थे कि गेंद सीधा पैड में जा लगी। अंपायर ने तो नॉट आउट दिया, लेकिन डीआरएस के बाद यह आउट मिला। इसके बाद क्राउली को आकाशदीप फिर एक बार चकमा देने में कामयाब रही। 42 रन के स्कोर पर उन्होंने बोल्ड मार के इंग्लैंड को तीसरे झटका सिर्फ 57 रन की स्कोर पर दे दिया था, लेकिन उसके बाद भले ही इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने पारी को संभाला, 196 रन की परी जो रूट ने खेली और अंत में 2 विकेट सिराज ने दिलाई। पहले दिन का खेल समाप्त होने तक 7 विकेट के नुकसान पर इंग्लैंड ने 302 रन बना दिए। वहीं आकाशदीप की गेंदबाजी को देखने के बाद खुद रोहित शर्मा भी उनकी तारीफ में कसीदे पढ़ने से खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने कहा, यह युवा खिलाड़ी काफी ज्यादा टैलेंटेड है, इस बात को नकारा नहीं जाता। अपने डेब्यू मैच में इस तरह की गेंदबाजी करना आम बात नहीं होती। गति के साथ बल्लेबाजों को इतना ज्यादा परेशान करना दर्शाता है कि यह गेंदबाज दूसरे गेंदबाजों से अलग है। मुझे लगता है जिस तरह की शुरुआत आकाशदीप ने इस मुकाबले से करी है, मुकेश कुमार और आवेश खान जैसे खिलाड़ियों का कैरियर संकट में हो सकता है। रोहित ने कहा, आए थे खिलाड़ियों को मैं दिल से सलाम करता हूं जो टीम इंडिया के लिए इतना शानदार प्रदर्शन कर रही हैं। इस तरह से रोहित ने अपने बात कही। लेकिन आप सभी भी गेंदबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे कमेंट सेक्शन में बताइएगा।